आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी मील की चिमनी को गिराया गया 84 सालों बाद। दरअसल सोलापुर में साल 1940 और 45 के बीच अंग्रेज़ों ने द लक्ष्मी विष्णु टेक्सटाइल मिल बनवाई थी, जहां से कई किस्म का कपड़ा बनकर रशिया और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। इस मिल को देश आज़ाद होने के बाद प्रताप शेठ नामी व्यक्ति ने खरीदा, जिसके बाद 1952 में इस मिल को माधोराव आप्टे नामी व्यक्ति ने लीज पर ली, जहां 10,000 से अधिक मजदूर काम किया करते थे। लेकिन अचानक ही साल 1995-96 में ये मिल बंद हो गई और वहां के मजदूरों को 20-30 हज़ार रुपये देकर रफा दफा किया गया, जिसके बाद से ये मजदूर सरकार और कोर्ट से हर जाना या फिर घर बनाकर देने की मांग पर अड़े हैं। लेकिन आज 30 मई 2024 की सुबह 10 बजे के आसपास 84 सालों बाद इस मिल की चिमनी को महापालिका की ओर से जमींदोज किया गया। मैं नागनाथ धर्मनाथ कांबळे बोलतो, लक्ष्मी विष्णु कामगार ब्लीच फोल्डिंग मध्ये कामाला होतो। आमचं खातं लास्ट कसं आमच्यापासून रशियाला माल एक्सपोर्ट होत होता, आम्ही सगळे गाठी बांधून पाठवत होतो। मग ते पुरातत्व वास्तू जे आहे तिथे ऐतिहासिक 80-90 वर्षापूर्वीची वास्तू, ह्याने डागडूग जे न करता कामगाराला विश्वासात न घेता हे पाडल्यामुळे कामगाराचा संतोष निर्माण झालेला आहे। आता पूर्वी कामगाराला तर त्यांनी सुरुंग लावलेलंच आहे, आता त्या चिमणीला सुद्धा ह्यांनी सुरुंग लावलेत। पुढं आता कुठं जमीन सुरुंग लावतात काय काय, आता कुठं कुठं बांधकाम करणार का, आता आम्हाला ही शंका वाटलेली आहे। तरी ह्याच्यावर मुख्यमंत्री आणि इथले जे आहेत स्थानिक नेते मंडळीने याचा विचार करावा, कामगारांच्या पदरात काहीतरी माफ पडायला पाहिजे। हे त्रिपक्षीय करार करून मालकाचीच बाजू घेऊन कामगारांचं ह्यात फार मोठं नुकसान केलेलं आहे कामगार संघटनेने। हां, हे कामगार संघटना जे होते राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघ, ते त्रिपक्षीय करार करून कामगार आयुक्त मालक आणि संघ हे तिघ जण मिळून जे करार केले ते कामगाराचं हिताचं नाही, कामगाराचं नुकसानच केलेत।